स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि हमारी प्रकृति, हमारी सृष्टि जिन्हें जो सैकड़ों हजारों लाखों सालों से चली आ रही है, जिसका हम हिस्सा हैं, उसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। और स्टॉक मार्केट भी कई सालों से चल रही है, कई लोग इसमें रोज काम करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, कईयों को नुकसान होता है, लेकिन पूरी तरह से समझ कोई नहीं पाया। इनफैक्ट इन दोनों को हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और कई तरह के ग्राउंड्स पर यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होते हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहाँ सुनील ने बताए, हमारे साथ बने हुए सुनील। सुनील बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आपने एक और डिसिप्लिन की बात कही कि आपने कहा था कि डिसिप्लिन और कर्मा ये भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिव ग्राउंड्स पे है दोनों के लिए, वो किस तरह से है? देखिए, कर्म से ही डिसिप्लिन आता है जी। मार्केट में भी नेचर की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। इस मार्केट में जितने लोग काम करते हैं, अगर वो आज अपना पुराना जो रिकॉर्ड निकालें, उनको जहां जहां भी लॉस हुआ है, एक्चुअली उन्होंने कोई ना कोई डिसिप्लिन तोड़ा होगा, तभी लॉस हुआ है, वरना नहीं होता। यहाँ पे आसानी से लॉस, कोई ना कोई ऐसा डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, क्वांटिटी बढ़ाया होगा, डाउन ट्रेंडिंग वाले स्टॉक में बाय किया होगा, ऊपर जाते स्टॉक में सेल किया, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो कि रूल के अगेंस्ट है जी। अगर आप वो करेंगे तो आपको लॉस होगा। नेचर के अंदर भी यही होता है। यहां पर अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे जो नेचर के लॉस के अगेंस्ट है, यहां इतना सिस्टमेटिकल लॉस है, राइट, आज अगर आप उस लॉ के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। अभी हमारी अर्थ में ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं। हाँ, एक फोर्स है जो हमें पैदल चलने में सहायता करता है। अगर हम जमीन पे चलते हैं तो हमें हेल्प करता है, राइट, लेकिन अगर हम छत से कूद जाएं तो वही फोर्स हमारे चोट लगने का कारण बन जाता है, राइट। फोर्स एक ही है जी, फोर्स चेंज नहीं होगा, राइट। वो फोर्स ये भेदभाव नहीं करता है कि आपको वो नहीं चाहती आपको चोट लगे, लेकिन अगर आप छत से कूदोगे तो वो क्या करेगी, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। ऐसे ही मार्केट की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, लेकिन अगर आप ऊपर जाते स्टॉक को सेल करोगे तो मार्केट क्या करेगी, राइट, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आप अगर लहर चल रही है इस तरफ, आप उसके अगेंस्ट में चलने की कोशिश करोगे, अब नहीं पहुंचोगे। नेचर के जो लॉ है बहुत ही सिस्टमेटिक लॉ है। यहाँ पर हर एक्शन का रिएक्शन है, जैसे मार्केट में, अब देखिए मार्केट में भी हर एक्शन का रिएक्शन है। बिल्कुल, इसे आप पहले भी डिटेल में बता चुके हो कि अगर पतंग के लिए, पतंग उड़ाने के लिए हवा का रुख देखना जरूरी है। अगर हवा के रुख के ऑपोजिट उड़ाओगे तो पतंग नहीं उड़ पाएगी, बिल्कुल नहीं उड़ेगी, टाइम वेस्ट करते रह जाओगे। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। मार्केट की जो फोर्सेज हैं, नेचर की जो फोर्सेज हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, वो आपके लिए नहीं चल रही है। एक्चुअली नेचर में हवा या लहर या जो भी हमने बात किया ग्रेविटेशन, ये आपके लिए नहीं है, एक सेट पैटर्न में चल रही है, आपको एडजस्ट करना होता है। एक लॉ है, एक सिस्टम है, आप उसको जैसा यूज करते हैं वैसा वो आपके लिए हो जाती है। आपका यूज अगर सही है तो आप उससे प्रॉफिट कमाते हैं, आपका यूज अगर गलत है तो आप उससे लॉस करते हैं। घर पे सब्जी काटने वाले चाकू से आप खून भी कर सकते हो, राइट। अब वो खून करने के लिए तो नहीं बनाया हुआ था ना, वो सब्जी काटने के लिए बनाया था, लेकिन अगर आप खून करोगे तो सजा किसको होगी, चाकू को, आपको, आपको, चाकू को कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको होगी सजा, राइट। तो इसलिए स्टॉक को कुछ नहीं होगा, अगर आप गिरते स्टॉक को खरीद लोगे उसको क्या फर्क पड़ना, आपको झेलना पड़ेगा, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आप अगर जो लॉ है, जो सिस्टम है, अगर आप उससे उल्टा काम करते हो तो आपको नुकसान होगा। नेचर के अंदर कुछ बिल्कुल सेट पैटर्न्स है जी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप किसी बॉल को अगर दीवार पे मारेंगे वो आपकी तरफ वापस आएगी। आप जोर से किसी को थप्पड़ मारते हैं आपके हाथ पे, आपके हाथ पे चोट लगती है। यहाँ पे मार्केट जब स्पीड से गिरती है एक बाउंस आता है, ये बॉल है एक्चुअली, राइट, जो नीचे गिरी है ऊपर आएगी, राइट। आप ऊपर मारेंगे, ऊपर से जो है तेजी से स्टॉक चढ़ता है तो धीरे धीरे, हर एक्शन का रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं करेक्शन, वो एक्चुअली रिएक्शन है, एब्जॉर्प्शन, वो उस एक्शन का रिएक्शन है। एक्चुअली जो एक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन होगा, राइट, वो उसका रिएक्शन है। नेचर में आप देखिए सेम रूल है। नेचर के रूल बहुत ही सिस्टमैटिकल है, बहुत ही सिस्टमैटिकल रूल है। टाइम पे सूरज निकल जाएगा, टाइम पे रात हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 बजे मार्केट खुलेगा, 3:30 बंद है, हर चीज सिस्टम, सर्किट लग जाएगा, ज्यादा बाइंग आ जाएगी तो हर चीज का सिस्टम है, राइट, हर चीज का सिस्टम है, और उसमें कहीं कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है किसी की, और किसी के लिए वो रुकेगा नहीं। आप काम कर रहे हो तो भी मार्केट खुलेगी 7:15, आप नहीं कर रहे हो तो भी खुलेगी, राइट। एक पूरे सिस्टम के अनुसार लॉ है। एक बात और, पेशेंस मार्केट में भी बहुत जरूरी है, और हमारी नेचर भी एक्चुअली पेशेंस मांगती है जी। जो लोग नेचर के साथ बिहेव करते हैं
हम शहरों के लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम होती है कि फटाफट हर चीज़ मिल जाए, आप गांव में जाइए फार्मर के पास, वो एक्चुअली नेचर के साथ बिहेव करता है रोज। वो बीज बो देता है, उसको पता है 6 महीने बाद मेरी फसल उगने वाली है, 1 साल बाद उगने वाली है, उसको नेचर के साथ रह रह के वो पेशेंट हो जाता है। हम शहर में रहते हैं, हमें हर चीज फास्ट फूड की तरह चाहिए, जल्दी खाना मिल जाए, वो अपने डिसएडवांटेजेस लेकर आता है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको देखो, आपको लगता है कि ये काम ना जल्दी हो जाना चाहिए, अभी स्टॉक नीचे गिर गया ना जल्दी ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को आप क्या सोचते हो, मार्केट का अपना तरीका है काम करने का, ऐसे नेचर का अपना तरीका है काम करने का। नेचर इसलिए जल्दी नहीं कर सकती कि वो काम करना है उसे, अगर उसको वो काम करना भी है तो भी उसका एक चैनल बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, आपने सुना होगा हमारी पुरानी कहानी में कंस था एक राजा जिसको श्री कृष्ण जी ने मारा था, कंस मामा। अब नेचर ने कंस को मारना था, भगवान नेचर जो भी आप बोलो, कंस अलग अलग है, प्रकृति कहते हैं हम या फिर भगवान कहते हैं, उनको मारना था, उसको मारना था। तो कहते हैं एक आकाशवाणी हुआ जिसमें वो कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारी मौत बनेगा। देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। अब नेचर को मारना था तो 8वां पुत्र की क्या जरूरत है, पहला भी हो सकता था। और फिर ऐसा क्यों जरूरत है कि कोई एक आदमी को उसके लिए कोई अपॉइंट किया जाए, खुद भी कोई आ सकते थे, भगवान जी जो भी हैं आ सकते थे, नहीं है, एक आदमी अपॉइंट किया गया, एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम बना, एक आदमी अपॉइंट किया गया जो 8वें नंबर पे लगा हुआ है, पहले 7 निकलेंगे तो वो आएगा। और जो कंस थे उन्होंने 7ों बच्चों को पहले मारा, अब 7ों बच्चों को मारने की जरूरत थी, अगर 8वें को बचा, अगर आप चाहते हो 8वां पैदा ना हो तो माँ को मार दो। नेचर ने जब कुछ कराना होता है वो आपका दिमाग खराब कर देती है, मार्केट भी ऐसी करती है, वो आपका दिमाग खराब कर देती है, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और नेचर का ना एक रूल है, एक पैटर्न है, अगर उसने कंस को मारना था तो 10 साल बाद एक आदमी आएगा, फिर वो बड़ा होगा एक बच्चा, जब वो बड़ा हो जाएगा पैदा होते तो मार नहीं सकता जी। पहले तो 8-9 साल बाद पैदा होगा, उसके बाद 5-7 साल बड़ा होगा, तो 14-15 साल का सामने वाले को भी टाइम दे दिया कि तेरे पास टाइम है, अभी भी संभल साओ अगर संभल सकते हो तो, नहीं तो आपकी मौत तो आ ही रही है, समझा? लेकिन अगर हम होते उसकी जगह, हम कहते हैं जब उसको मारना है तो मार के खत्म करो ना। नो, नेचर का अपना रूल है, अपना सिस्टम है, एक उसकी समझ है। वाकई ये एग्जांपल सुनील, इनफैक्ट इस बात को कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, ये बात ही कभी दिमाग में नहीं आई होगी कि अगर वाकई कंस जो समाज के लिए भी एक समाज के लिए भी बुरा था, जिसको मारने की बात आकाशवाणी से हो गई थी, उसको मारने में इतना समय क्यों लग गया, इतना समय क्यों वेट कर दिया। नेचर का अपना सिस्टम है, आप समझिए, नेचर का अपना सिस्टम है, वो हर चीज का एक समय लेके चलती है। अभी रावण को मारना था, भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, अब एक गलत आदमी को मारने के लिए एक सही आदमी को आप दुख दे रहे हो, इसका मतलब जी। लेकिन नेचर कहती है वो पार्ट है मेरी गेम का, आप कौन होते हो उसको टोकने वाले, और इसी सुख दुख को झेलने वाले उन्हें महापुरुष कहा। महापुरुष ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। वो उनकी साइकिल थी, राम की जो साइकिल पूरी हुई और उनकी साइकिल में 14 साल का डाउन ट्रेंड लिखा था, ये हमने भी बात की थी डाउन ट्रेंड लिखा था, उसी बीच में रावण को भी उन्होंने मारना था, तो नेचर ने वो काम भी साथ साथ निपटा दिया। तो हर काम जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, राइट। उनका बुरा वक्त था राम जी का, श्री राम का, इसलिए उन्हें इस समय काटना पड़ा, लेकिन क्योंकि रावण की मृत्यु राम के हाथों ही होनी थी, इसलिए वो भी तय समय पर हुई और नेचर ने उसका दिमाग खराब कर दिया ताकि वो सीता जी को उठा लाए जी। एक कारण बना दिया। नेचर में हर चीज ऐसे ही होती है, मार्केट में भी हर चीज, नेचर में जो चीज पैदा होगी उसकी मौत होगी, हमारी मार्केट में भी। तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इस तरफ हमने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे कुछ और कॉन्सेप्ट लगातार चर्चा जारी रहेगी सुनील से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होता है, लेकिन आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट करना ना भूले, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कोई सवाल हम तक या फिर कोई सुझाव भी हम तक भेजना चाहते हैं, बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस हाजिर।
क्योंकि रावण की मृत्यु राम के हाथों ही होनी थी, इसलिए वो भी तय समय पर हुई। तय समय पर हुई और नेचर ने उसका दिमाग खराब कर दिया ताकि वो सीता जी को उठा लाए। जी, जो भी स्टॉक पैदा हुआ है आज नहीं तो कल मरेगा जरूर। राइट, जरूर कंपनी खत्म हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कंपनी। आज 20-20 साल पहले आप जाएं, स्प्लिट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं स्टॉक्स, मौत है वो एक्चुअली। वो एक्चुअली नेचर के टर्म्स में वो मौत है। right. वो मर गया है वो स्टॉक, right. हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा कंपनी का। कुछ ना कुछ होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, हर रोज चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता है यहाँ पे। नेचर में और मार्केट में लक नहीं होता जी। मार्केट में जैसे अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले, मार्केट में लक नहीं होता, नेचर में भी लक नहीं होता। राइट, सिर्फ कर्म है आपका, आप कर्म कर सकते हैं और वो कर्म आपको नुकसान या फायदा देगा। आप जैसा काम करेंगे, जैसा आप उसका यूज करेंगे उस चीज का। आप देखिए एक बात बताइए, एक आदमी चोर है, एक आदमी शरीफ आदमी है जी। शरीफ आदमी कहता है कि देखिए सर, मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन सामने वाले के पास कितना पैसा है, वो कितना बुरा काम करता है, कितना गलत काम करता है, तो होगा उसके पास पैसा। आप शराफत में सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो पैसा अपने आप नहीं आ जाएगा। नहीं, एक बात और, एक सामने वाला आदमी जो बुरा आदमी है, जो चोरी कर रहा है, एक तो वो बुरा आदमी बने, चोरी करने का पाप ले, दूसरा पैसा भी उसको ना मिले, पकड़े जाने का डर भी ले, और तीसरा पैसा भी ना मिले उसको। और आप चोरी करने के पाप से भी बच जाओ, शरीफ बन के घर बैठे रहो, बुद्ध बने, और उसके बाद सोचो कि पैसे भी आपके पास आ जाएं। नेचर का रूल नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हो कि चोर अपना कर्म कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उस काम में, उस कर्म में उसको अच्छे और बुरे फल मिल रहे हैं। फल मिलेंगे, अच्छा फल कि पैसा मिल रहा है, बुरा फल, बुरा फल के चोरी का जो पाप है उसका फल भी उसको मिलेगा, सजा मिल सकती है, सजा भी मिल सकती है। प्रमोट नहीं कर रहे हम यहाँ पर चोर को या चोरी को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल उसके अपने कर्म है और कर्म का अच्छा और बुरा इंपैक्ट। चोर का एक हमने एग्जांपल दिया है, उसको प्रमोट करने की बात है, एग्जांपल है। चोर मतलब कोई गलत आदमी हो सकता है। हमारे मन में भी कई बार सवाल आते हैं, आपके मन में भी आते होंगे, लोगों के मन में भी, यार सामने वाला आदमी कितना बुरा है लेकिन देखो कितना फ्लरिश है, कितने पैसे हैं उसके पास। हाँ, ऐसा लोग कई बार सोचते हैं कि शायद उनका पड़ोसी, उनका नेबर, उनका दोस्त, उनका रिश्तेदार, हाँ, कि कितने गलत काम करता है लेकिन यार फल फूल तो रहा है, फूल रहा है, पैसा है, गाड़ियां हैं, मकान है। गलत काम करने की सजा अलग मिलेगी और उसने जो पैसा कमाया है उसकी सजा, वो उसका एक्चुअली पार्ट है, राइट, उसके कर्म है। मार्केट के अंदर भी हमारे यहाँ पे ना ट्रेड टू ट्रेड नाम का एक सेगमेंट होता है, अगर आपको पता हो, टी टू टी। उस ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर होता क्या है कि आपने बाय किया है तो आपको उसका डिलीवरी देना पड़ेगा, जो आएगा, और सेल किया है तो डिलीवरी देना पड़ेगा। दोनों ट्रेड स्क्वायर नहीं होंगे। नेचर के अंदर भी दोनों ट्रेड स्क्वायर नहीं होते। चोरी किया है, चोरी का फल मिलेगा और चोरी की सजा भी मिलेगी, दोनों अलग अलग। मतलब किस तरह से एग्जांपल्स, आई एम वेरी सरप्राइज कि टी टू टी का एग्जांपल देखे, किस तरह से आपने कनेक्ट किया। हमारे मार्केट में ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट होता है, मतलब अगर स्टॉक है उसने अपना कर्म किया, उसको ऑपरेटर ड्रिवन कर रहा है या फिर उसके पीछे मैनिपुलेशन चल रही है और बहुत वॉलेटिलिटी रहती है स्टॉक में, तो उसको सजा अपनी मिल सकती है कि वो टी टू टी में जा सकता है। टी टू टी, टी टू टी सेगमेंट के अंदर होता क्या है कि अगर आपने बाय कर लिया तो आपको उसका डिलीवरी आएगा जरूर, और सेल कर लिया तो डिलीवरी जाएगा, सेम डे स्क्वायर नहीं, आप स्क्वायर नहीं कर सकते उस ट्रेड को। हमारी नेचर के अंदर भी आपका कोई ट्रेड स्क्वायर नहीं होता। अच्छा काम अलग देके जाएगा, बुरा काम अलग देके जाएगा। चोरी करना गलत काम है लेकिन चोरी ना करना कोई अच्छा काम नहीं है। अब समझिए इस बात को, चोरी करना पाप है लेकिन चोरी ना करना कोई पुण्य नहीं है। नहीं किए चोरी, ठीक है, उसकी सजा नहीं मिलेगी, दैट्स इट। मतलब आप कह रहे हैं हाथ पे हाथ रख, हाथ पे हाथ रख के अगर आप बैठे तो आप सोच रहे हैं कि मैं कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई पुण्य तो नहीं, पुण्य भी कमा नहीं पा रहे, वो पुण्य थोड़ी है। आप अगर पाप नहीं करते हैं, आप पाप के भागीदार नहीं बनते, तो लेकिन आप पुण्य भी कोई नहीं कर रहे, उसके लिए अलग कर्म। नेचर आपको बोलेगी ठीक है आपने चोरी नहीं किया ना, ओके, आपको सजा नहीं मिलेगी। कमाने के लिए भी आपको अलग कर्म करना, अलग कर्म करना पड़ेगा, तब मिलेगा। उसके लिए कुछ ना करना कोई कर्म नहीं है जी। आपको हर एरिया में काम करना है। यहाँ पे काम, हमने पहले भी स्टोरी की बात की, एक शेर भाग रहा है वो अपना काम कर रहा है, हिरन भाग रहा है वो अपना काम कर रहा है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर दोनों ये सोचे कि हमारी किस्मत अच्छी है, मैं उसको पकड़ लूंगा, किस्मत क्या होती है, क्या होती है किस्मत? कोई किस्मत नहीं है, काम है, दोनों का अपना अपना काम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः, माते संगोस्त्वा कर्मणि। दोनों अपना अपना काम करें, जो जितना अच्छा जो जितना अच्छा होगा। नेचर कोई पार्शियलिटी नहीं करती किसी के लिए, ऐसे ही हमारी मार्केट कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अगर राइट हो, डायरेक्शन राइट है, वो आपको ले जाएगी ऊपर, डायरेक्शन रॉन्ग है वो आपको बाहर कर देगी। आप कितने ही पैसे वाले हो, अगर आपको ये लगता है कि छोटे पैसे वाला यहाँ ज्यादा लॉस करता है,
तो आप भी और आपके जो देखने वाले हैं वो बहुत बड़ी गलत फहमी में। एफआईस को लॉसेस लगते हैं, एफआईस को लॉसेस लगते हैं, बड़े बड़े आदमी करोड़ों रुपए जिनके पास हैं वो यहाँ लॉस खाते हैं, वो यहाँ लॉस खाते हैं। ऐसा नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास समझ भी ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट क्या कहती है, जिसके पास समझ नहीं है वो बाहर, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप हिस्ट्री में जाइए मार्केट में, ऐसे कई बड़े बड़े हेज फंड, LTCM का सबने नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे फंड हुए हैं जिनके अंदर इतने बड़े बड़े नाम थे, उनके अंदर वो फंड कितने बिलियन डॉलर का लॉस देके खत्म हो गए। मार्केट परवाह नहीं करती, आप इकोनॉमिस्ट हो बहुत बड़े, आपको मेडल मिला हुआ है, आपको अवार्ड मिले हुए हैं, आपको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के अंदर, मार्केट कहती है अगर आप सही नहीं हो बाहर, हु आर यू। अगर आप मार्केट का सिस्टम नहीं जानते तो आपको वो बाहर निकालते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रूल, एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन ग्राउंड की मार्केट और नेचर दोनों ही बायसनेस नहीं है, वो पार्शियलिटी नहीं करते, पार्शियलिटी नहीं, बहुत रूड है एक्चुअली। नेचर बहुत काइंड है एक तरीके से और एक तरीके से बहुत रूड है। अगर आप सही नहीं कर रहे हो, अगर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको चोट लगेगी। आप दीवार पर जाकर टक्कर मारते हो सिर पे, दीवार को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन चोट लगेगी आपको। आप कहोगे नेचर बहुत रूड है, भगवान ने मुझे चोट लगाया। आप सही जगह पे जाओ नहीं लगेगी चोट, काइंड भी है नेचर, आपको सब कुछ देते। आप मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हो और आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा क्योंकि लहरें लगातार समुद्र के रास्ते से अगर आप जा रहे हो और आपको लग रहा है लहरें क्यों बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, ये क्या हार्श नेचर है, क्या हार्श प्रकृति है, वो है ही उसका नेचर, ऐसा टेंडेंसी है ऐसी। आप उसके साइड में हो जाइए ना, मार्केट और नेचर उतनी ही काइंड भी है एक्चुअली। आप समझिए वो काइंड कैसे है, आप बीज लेते हैं, आप जमीन में बो देते हैं और अपने आप पौधा उग जाता है, आप आम खाते हैं, सेब खाते हैं, आपने क्या किया है उसके लिए, एक बीज ही तो बोया है, बाकी सबका नेचर नहीं किया ना जी। वो काइंड है और लेकिन उसको हार्श होना पड़ता है, रूड होना पड़ता है, क्योंकि उसके सिस्टम के अगेंस्ट कोई बैठा हुआ फैसला का कोई जज नहीं बैठा है वहां पे कि आपकी अपना हिसाब लगाएगा सिचुएशन के हिसाब से कि आपने चोरी करी है ना तो इस कारण से करी क्योंकि आपको जरूरत थी पैसे की, आपको अपनी माँ का इलाज कराना था। नो, गलत काम सजा मिलेगी, क्यों किया है, कैसे, कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है वहां पे। एक रूल दो पहलू है, जैसे एक रूल हर सिक्के के दो पहलू हैं कि वो एक काइंड भी है, नेचर अपनी प्रकृति अपनी तौर से बहुत अच्छी है, काइंड है, आपको हेल्प करती है, लेकिन दूसरा पहलू उसका ये भी है कि अगर आप उसके ऑपोजिट उसके सेट सिस्टम तय सिस्टम से अलग जाते हैं तो वही नेचर जो काइंड थी वो आपके लिए हार्श बन जाएगी। वही समुद्र की लहरें आपको अपनी मंजिल तक भी पहुंचा सकते हैं, उल्टी डायरेक्शन में अगर कोशिश करोगे तो आपको डुबा सकती है। मार्केट में बिल्कुल, मार्केट बहुत ही एक हार्ड कोर बिजनेस है ये, कोई दया की जहां पे जगह नहीं है। वॉरेन बफेट जी का एक कोट है, उन्होंने भी एक बार कहा था कि मार्केट इज रिवॉर्ड यू इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इट विल शो नो मर्सी टू मेक यू पुअर। ओके, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी अगर आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। टीचर में भी यही है, मार्केट में भी यही है, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपको गरीब बनाने में मार्केट को कोई दया नहीं आएगी। राइट, कोई दया नहीं है उसको। आप बोलो सर मैं छोटा आदमी मुझे माफ कर दो, कोई माफी नहीं है यहाँ पे, आप बाहर जाइए, छोटे आदमी तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप में समझ नहीं है, आप बाहर जाइए। आपने गलत स्टॉक लेकर पिक कर लेकर बैठ गए हैं और लगातार आपका स्टॉक गिरता जा रहा है तो उसमें कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी कि आपने 400 इंतजार किया। इन चीजों को समझाने का, इन चीजों को बताने का हमारा मतलब यही है, जैसे हम यहाँ बात करते आए हैं, मार्केट को समझने के लिए मार्केट का जो है साइकोलॉजी समझना जरूरी है, उसका मनोविज्ञान, जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। दोनों का अपना अपना साइंस है, दोनों का अपना अपना मनोविज्ञान है। मार्केट का मनोविज्ञान ये कहता है और नेचर का मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर आप सही कर्म नहीं कर रहे हो तो आप कितने ही बोलो, कितना गिड़गिड़ाओ, कितना रो, आपके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। बिल्कुल, इसी मनोविज्ञान को ही समझाने की क्योंकि कोशिश रहती है सुनील यहाँ पर, क्योंकि व्यूवर्स को लगातार स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स इश्यूज तो रोज टीवी पे देखने को मिलते होंगे लेकिन उन्हें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल ऐसे जो हम उनके माइंड में क्रॉप अप करा देते हैं यहाँ पर, जो वो कभी सोचते ही नहीं जिस डायरेक्शन में, उनके जवाब कैसे वो ढूंढ सकते हैं, खुद ही उनका हल भी निकाल सकते हैं वो। मार्केट में भी अपने लिए वो एक सिस्टम बना ले, तय कर ले अगर वो अपना सिस्टम, तो उस मुश्किल से, उस उलझन से पार भी पा सकते हैं, यानी मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, वो सिस्टम उन्हें ही बनाना है, काम उन्हें ही करना है, हम सिर्फ उनकी यहाँ ये हेल्प कर रहे हैं कि हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है वहां पे, क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअली। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, एक्चुअली अगर
कोई भी आपकी जगह होता और वो ऐसे कमरे में बैठा हुआ, एक जब एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसे लगता है मुझे 40,000 का नुकसान लग गया, शायद मुझे लग गया, बाकी सब कमा गए, हमें नहीं पता कि और कितनों को हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के साथ जो गलत है उसके साथ होगा, उसके साथ गलत होगा। और गलत किस सेंस में, गलत इन द सेंस कि आप एक सिस्टम नहीं फॉलो, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, वही नेचर के साथ भी होता है। तो ये एक सिर्फ एक प्रयास है, कोशिश है हमारे व्यूज को ये समझाने की कि जो प्रकृति है जिसे हम अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, जो वाकई बहुत मिस्टीरियस है, वो पहले ग्राउंड पे स्टॉक मार्केट के साथ भी ऐसा ही होता है। स्टॉक मार्केट भी उतनी ही मिस्टीरियस है, एक तय सिस्टम नेचर का भी है, एक तय सिस्टम मार्केट्स का भी है, और इसी तय सिस्टम के अगेंस्ट के साथ ही आपको चलना होगा। यानी अगर ट्रेड ऊपर का है, दिशा ऊपर की है, तो ऊपर रहेंगे तभी मुनाफा कमा पाएंगे, नीचे की अगर उसे बेचने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपको होगा, स्टॉक को कुछ नहीं होगा। कोशिश यही रहेगी कि आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं, इनका मतलब समझ पाएं और अपनी आम जिंदगी में इन्हें अमल में ला पाएं, ताकि आप मुनाफा कमाने की जो कोशिश रखते हैं उस दिशा में सही स्टेप्स को जरूर लें। शुक्रिया सुनील इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए। इनफैक्ट ये इतने कॉन्सेप्ट्स सिमिलर हैं, सिंपल हैं, सिंप्लिसिटी भी शायद एक बात है जो आपने शायद यहाँ रिफ्लेक्ट जरूर करनी चाहिए कि सिंप्लिसिटी जितनी नेचर में भी है, जो चीज़ें सिंपल है, स्टॉक मार्केट भी शायद एक सिंपल वे से ही चलती है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है एक्चुअली। देखिए नेचर में इतनी सिंप्लिसिटी है, जैसे मैंने बात भी किया अभी कि आप बीज बो देते हैं और पौधा उग जाता है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सब कुछ चल रहा है। स्टॉक मार्केट भी उतनी ही सिंपल है एक्चुअली। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जितने लोग थोड़ा बहुत नॉलेज जिनको आ जाता है, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो अपनी नॉलेज के अंदर उसको कॉम्प्लेक्स कर दें, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे शायद कि स्टॉक मार्केट भी नेचर की तरह है। जितने आप सीधे हो जाएंगे उतना जल्दी प्रॉफिट आएगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। जो ये शो देख रहे हैं वो ये बात समझ जाएं कि जब तक आप सिंपल नहीं होंगे यहाँ आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वैसे भी सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस, बहुत फेमस कहावत है और ये हर जगह अप्लाई करती है। सिंप्लिसिटी का मींस ये है कि आप नॉलेज लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको अपना बिहेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं करना। राइट, नेचर जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को पसंद नहीं करती। वैसे हमारी मार्केट भी, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो लोग पैसा कमाते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा समझ है, वो कोई बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में। राइट, सबसे बड़ा पैसा इस मार्केट में सबसे सिंपल होके कमाया जाता है। और इसी तरह से रूल प्रकृति में भी होता है, हम आम आदमी में भी, आम भाषा में, आम जिनसे मिलते हैं, हमें सिंपल नेचर वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग। हम यहाँ पर सीधी सीधी बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है जी? आप खुद सोचिए, तो सीधी सीधी बात हर एक को अच्छी लगती है। आज वॉरेन बफेट जी ने सबसे बड़ा पैसा बनाया इस मार्केट में सबसे सीधे स्टॉक्स से। उनके पास कौन से स्टॉक थे? कोका कोला, सबसे सीधा। उनको उनका फंडा क्या था? बॉम्ब भी गिरेगा कहीं पे तो भी लोग कोका कोला तो पियेंगे। अभी उन्होंने एक नया स्टेक लिया किसी कंपनी में, सॉस की कंपनी है जो कैचअप बनाती है। Okay. अब कैचअप तो बिकेगा, चाहे रिसेशन हो, आपकी जॉब हो नहीं हो, कुछ भी, कैचअप तो बिकेगा ना। इनफैक्ट इसीलिए क्योंकि इंडियन व्यूवर्स राकेश झुनझुनवाला से ज्यादा कंपेयर करते हैं, उनसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला भी अपने सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में उन्हीं को लेते हैं जिनका फंडामेंटल समझ आता हो। सीधे सीधे बिजनेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए उसके लिए। अभी यहाँ पर ITC है, या हमने पहले बात किया बहुत सारी कंपनी के बारे में, कंज्यूमर गुड्स है, आपको रोज चाहिए, आपको साबुन आप रोज इस्तेमाल करेंगे, क्रीम आपको दवाइयां, आपको स्पेस में उनका स्टेक है। तो आप सीधी सीधी चीजों को सोचिए कि आप अपने डेली यूज में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर आप स्टॉक बाय करके रखते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। बाकी साइकिल्स हैं ऊपर नीचे की, उसमें भी आएंगी, लेकिन आपको नेट में नुकसान नहीं होगा। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया सुनील। इनफैक्ट इतनी सारी चीजों को इस डायरेक्शन में भी हमारे को ये सोच देने के लिए, हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि व्यूअर्स इन दो एपिसोड से, हमारी इस कोशिश से, हमारे इस पर्पस को जरूर समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो रूल्स आप नेचर में लगातार अप्लाई करते हैं, सिंपल ही है ये रूल्स, समझना आपको होगा, इनसे पार आपको पाना होगा, अपना सिस्टम बनाना होगा, और फिर देखिए कि आपको कौन हरा सकते हैं, यानी आप मुनाफा कमा कर ही निकलेंगे यहाँ से। चलिए इसी के साथ शो को यही समेटते हैं, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और नए, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप इस बीच कोई ऐसा सवाल जिस पर आप भी राय जाना चाहते हैं, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी अगर मार्केट का समझना चाहते हैं, किसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं ईमेल के जरिए, बाजार शास्त्र @zeenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जहां आप हमें मेल कर सकते हैं
और एक और बात, हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अपने जो हमारे पूरे पिछले एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं देखे हैं, ये सारे एपिसोड्स आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं। आप हमारे किसी भी एपिसोड को रेफर बैक जरूर करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। तो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हो, मतलब वो गांव वालों को ही बंदर बना गया? इस स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, जब स्मार्ट आदमी बाहर निकलता है ना, तो वो जिस चीज को पहले ले रहा होता है उसको पता होता है ये बंदर है।